भोजपुरी समाज के प्रणाम। आज गरिमा वीडियो में आप सबके फिर हार्दिक अभिनंदन बा, स्वागत बा। आज हम अपने स्टूडियो में फिर आज दुगो दिग्गज भाई किशुन छला यादव जी एवं वीरेंद्र चौहान जी, बहुत ही अच्छे कलाकार वालो दोनों व्यक्ति के फिर अपने स्टूडियो में बोलल बने। और दोनों आदमी से आज राजा दशरथ जी के चिंता के कारण के चर्चा सुनल जाए। सबसे पहले एह गर्मा वीडियो के तरफ से हम किशुन छला यादव सब श्रोतागण के नमस्कार प्रणाम करतन। हमारे विपक्ष में आयल बनी वीरेंद्र चौहान जी। गरिमा वीडियो, हम वीरेंद्र चौहान अपना पूरा टीम के तरफ से रसक के समस्त भोजपुरिया समाज के सादर प्रणाम करतनी। हमनी के एगो कार्यक्रम बहुत सुंदर ये चल रहा बा गरिमा वीडियो के तरफ से, ब्यास बहस होके चाहिए। आजकल के ब्यास लोग केहू हो जाता, केहू कहता जो हम ब्यास हैं, लेकिन ब्यास के माने का होला, ब्यास का अर्थ का होला, तो एकरा के केहू समझ नहीं के पावत। कहे मतलब जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट छला जी हमारे लगे जल नहीं है तले तो नॉन मैट्रिक हो। मैट्रिक के सर्टिफिकेट मिल गए तब हम मैट्रिक ले पढ़ ले बने। एक मतलब पूरा अपने के जानकार बन तनी खूब जानकार वाला बात नहीं है। ब्यास माने का होला एकरा के समझे के चाहिए नु। अब रोरो कहीं जो हम ब्यास है और अरे कथा कहानी मालूम नहीं है माने। अच्छा, वेद ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, रोरो के नहीं जानते कि हमरे कथा कहानी नहीं है जानकारी माने। एगो बात कहत नहीं, रोरो तो जानत हो के माने हमरे को राजा से जानते नहीं ना। कहो को प्रोग्राम में गबड़ा है जेलर हो रहा है सर। हमारा मतलब काहे ऐसे गबड़ा जाइले हम जो कथे कहानी में कुछ निकल बता दे। प्रयास करें बताओ के तो ई कहीं के प्रयास करें रोड़ा काहे कहत नहीं कि हई फलान ठेका कहत नहीं ऐसे ना। देखिए, हमने हिंदू समाज में ग्रंथ के कोनो कमी बा? चार गो वेद बा, छह गो शास्त्र बा, 18 गो पुराण बा, 108 गो उपनिषद बा, ओकरा बाद रामायण महाभारत बा, ओमे रामायण 7 करोड़ रामायण भाषी इनमति सार से सूक्ष्म राखी 100 करोड़ रामायण बा। अब हमें बताई ना के कितना पढ़ल बा, वही में मिला जुला के हमने के तब पढ़ते रह ले जा। तो एगो बात जान जाइ और ये लिखल बा कि ना ना भाती राम अवतार। हाँ जी, रामायण सब तो कुटी अपारा। अरे कहते हैं ब्यास के मतलब का होला तो हम बताओ तुम। देखी बताई एगो ब्यास वेद व्यास जी तुम्हें के बहनी जी 18 गो पुराण लिखनी जी वेद व्यास जी। आ हमने के उप व्यास लोग कहेला तो उप व्यास के मतलब है जी कि हमने के कथा प्रसंग गा के आ पब्लिक के मैंने बताओ जी आगे के मैंने कि हमने के धर्म बताने के बताओ। तो वो हेतु चुकी बात पूछे तन बताएं। अरे प्रयास कर महाराज तो पूछे ना वेदे न व्याख्या करो ती ती नाम व्यास जे वेद के व्याख्या करे पढ़ के बतावे सारांश ओकर का भइल माने समझाओ करे न व्यास कहला तरह पूछी हम बताओ तुम हरमुनिये बजाओ का वाला। अरे महाराज हम लगभग लगभग सब साज बजाई ले तनी तनी। अच्छा, हरमुनिये से शुरुआत भयो माने आ ई जाने ना जे हरमुनिये बजाओ पहले हम ढोलक बजावत रहनी। अच्छा, के गा दो माई के कृपा तो प्रकृति देन। हां, गॉड गिफ्ट माने ई ना कि कह देन कि बजाई ले या ले ले तो दाचिया रे ले कारबर ना सठाई ठाई गोती है पहले सुन। हां, तरह जादो जी है तो ठाई ठाई बतेबे। देख रामचरितमानस में जी गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई लिख लेवे। का लिखनी? हारमोनियम बजा के गावतनी। अच्छा, बजाई हारमोनियम धैले धैला के बाद ए सुर में बोलल जाला। अच्छा, गोस्वामी जी चौपाई लिख लेवे नी। अभय गलानी मोरे सूत नाही। गोस्वामी जी लिख ले बनी जी। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सूत नाही। राजा दशरथ जी के जी राजा दशरथ जी के चौथा पन बीत गए। तीसरा पन बीत रहा है? हाँ, तीसरा पन चौथा पन में रहने वाले। हाँ, तीसरा पन बीत गए रहे जी आ चौथा पन साधा बीत गए रहे। तो गोस्वामी जी लिखत नहीं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुत नाही जी लिखत नहीं। तो इतना दिन जब बीत गई तो राजा दशरथ जी के
एक बेर काहे चिंता भयो ढेर जानकार बन तनी तो बता सकतनी एक बेर काहे चिंता भयो। हाँ बता सकते हारमोनिया बजाए हेते जी सवाल बदे है ना। हाँ तो बताई हेते जी सवाल बछाला जी रोरा भौरम धैले बा जना बते हैं चौहान जी बताई बताए हम एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुत नाही देखी लो रोरो सब है ध्यान दे गर्मी वीडियो के तरफ से रोरो सब के हमने के सेवा कर रहा बनी जा ऐसन मंच पर होके तो अच्छा लगी लेकिन ई पहल हमारा मनीष जी कर रहा बनी ई बहुत सुंदर बटे हम हर कलाकार के जानकार होके के चाहिए कहे के मतलब जब छैला जी रोरो दुकान खोल दिले बनी आ दुकान में माल भर लही नहीं तो का बेच दुकान में तो माल चाहिए तबे बेचे बताए ना जी हाँ। माल चाहिए पहले माल अर्जित करी गोदाम भरी अच्छा तो देखते बनी कितना माल बताई ताकि के सामने बरो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नहीं प्रश्न भाई छाला जी के देखी ये सही ही प्रश्न मा ए बरा हमने किया शादी बियाह होता साल भर बीतत भई मेहरारू लो गोसारी में भूजा भूजाता तब बताता बतियाता भूजत रहता लो ए का की ए फलोनिया बोके ओइला साल भर बॉय कुछ सुनाइल हो ना ये मारा साले भर में लोग सुना जाए चाहे डॉक्टर हकीम बॉय दो जाए गोनी झाड़ फूंक शुरू हो जाता अब ये कुछ समय का सर है तेरा जो दसरा जी का तीसरा पनपित गल चौथा बुढ़ारी है गल दाढ़ी केस पाक गल आ तब वहाँ के चिंता ना भय आ भयबो कोई तो एक बेर भय एक कोई को कारण अच्छा है जी रौरा कोई को कारण थोड़े पूछे तनी अब लोग के भरमाई मत रौरा भरमावत नहीं खी सत करोड़ रामायण अपारा रामायण के तो कोनो गिनती नहीं वाल्मीकि रामायण बा तुलसीकृत रामायण बा आनंद रामायण बा राधेश्याम रामायण बा तो अलग अलग रामायण में अलग अलग कुल लिखल बा कारण लिखल बा तो रउरा ये कही को बताई ना पहले हम ये बताओ तनी कि राजा दशरथ जी के मालूम रहे कि राजा दशरथ जी के जरूर मालूम रहे वहाँ के विश्वास रहे कि हमारा बेटा कहियो ना कहियो जरूर हुई महाराज काहे रोज झूठ बोलते नहीं जब राजा दशरथ जी के मालूम रहे तो एक बार काहे चिंता भई एक बार भूपति मन माही अब भय गला नहीं मोरे सुत नाही। अब देखी मालूम रहे ऐसे इहो जानी रोरा नखी जाना तब फुटफुटाई मट्टी नहीं बर्तन खानी गौरव मौत हो की गौरव मुखाला में कौन सवाल बा जोन पूछल बन तोन बताई रोगा सुन लो तो जला बोली अच्छा हाँ सुने राजा दशरथ जी के आराम के चर्चा कर के पहले एक लाइन के तनी भजन सुनी तो सुना राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया। देखी हारमोनिया तो ठीक बजाओ तनी कब पुराम में बन जाए बेंजी वाला ना जा ठोकी होखे में लोग ए महाराज देखी तो हमने के अपन जैसे रोरस से हमारा दुगुला होला बोला आई के बार याद बा बारात में भरे दुगुला। हाँ तरौरा में ना बेंज वाला ना हमारा में बेंज वाला आ केसियो रह हम गाय तरौरा बजा देनी केसियो हाँ बजा देनी आ रौरा गाय तो हम बजा देनी आ ये वाला के कुछ ऐसा कलाकार नौ को भाई लोग के हम कहता नहीं जब भाई ब्यासी करे के जे परीक्षा बा जे हमने के बाद जे पीढ़ी में आवता आ उकरा ललक बा ब्यास बने बा फेमस ब्यास तो पहले तो हारमोनियम रौरा से सीखी ई आधार हो गीत गाना बजाना दू खोल के होला आ दुई एगो चीज पर होला एगो सुर पर एगो ताल पर तो ताल माने ढोलक ढोलक पर गावे के रिदम पर गावे के ढंग चाहिए आ सुर में बोले के ढंग चाहिए तो यह गाना बजाना हो लेकिन बहुत लोग नायका यंग ब्लड जे बा नायका जनरेशन के कलाकार लोग ये पर विशेष ध्यान नहीं करते पैरा ओढ़ावा रौरा खानी बड़का बड़का केस राख लेनी नचनिया खानी केसिए गावेला तो केसिए ना गावेला है गावेला अर्जित करे के चाहिए बुद्धि जेंगा विवेक चाहिए बोले के
अपन बनावे के चाहिए शब्दकोश के भी जानकारी नहीं है गाना बजाना पांच को याद कर लेनी अच्छा नहीं हम ब्याह से इरा और फौज हो कह दनी अब आरु लोग माने चाहे ना माने हाँ जी तब का अब हम जो पूछ लेबन तोन बताई अब देखी हमारा जानकारी के अनुसार राजा दशरथ जी के महल में राजा दशरथ जी के दरबार में अयोध्या राज में ये नियम लागू भर है कि राजा दशरथ जी ये सब घर के हर प्रजा के घर के नियम लगौले रहनी वहां के कि जेकरा भी घर में बेटा चाहे बेटी हो वो पहले राजा दशरथ जी ही गोद में उठा खिलाए ओकरा बाद उनकर माई बाप खिलाए सही कहते नहीं आ ई जब केहू के घर लैका होके राजा दशरथ जी के लगे उबावे लैका लैका चाहे लड़की यहाँ के खिलाई ओकरा बाद फिर दिया जाए जेकर है अच्छा एक दिन के बात हो एगो गरीब परिवार रहे राजा दशरथ जी के दरबार में वह राज में रहे वाला आ बेचारी के बेटा भइल आ बेटा भइल तो गल्लो दूत लो लिया है राजा दशरथ जी खिलाए पहले नियम बा झाड़ के बोलल ओ निर्वंशी के हाथ में हम देम बेटा अपन जाने का जिले कोनो वंश ना भइल ओ निर्वंशी के हाथ में अपन लेके ना देम भले वो राजा हमारे घर से निकाल दिए अपना राज से निकाल दिए बाकी हम राजा के अपन लेके ओके देम हमना आके दूत लोग कहल का हाथ तो रहे ना राजा के सामने ईसन बात बोले के बा अपमानजनक बात रहे फिर भी कहल जे हेंगा हेंगा रोरा बारे में लोग कहता अब राजा दशरथ जी सोचनी कि आज हमारे एको को बेटा चाहे बेटी रही तो हमारे राज में रहे वाली एगो जाने के कोनो कुछ नहीं खे जाने के औकात नहीं खे वो आज हमारे बारे में निर्वंशी नानु कही तो निर्वंशी एगो ऐसा शब्द है जो केहू के बहुत पावर लगला और दिल के छुएला वो शब्द हाँ जी तो वह मन में बहुत चिंता भइल ओकरा बाद घर गए राजा दशरथ जी तल फिर तीनों रानी लोग घेर लेबा कहल लो कि हे राजा दशरथ जी उन कहानी में गीतों तो गाई लगे आ गाओ तो ना देख ना ही नीक ना ही लागे सोना चन के गहना लाला नावा बिना तोर से लाजिए रामो हो लाला नावा बिना कहलो कि होई ऑन धन सोना चनी राज महल कोठा मारी घोड़ा गाड़ी का होई जब एगो अंगना में जवना से शोभा बढ़ेला लैका से लैकी से संतान से ई कुछ होइल नहीं खे महाराज कोनो जतन करी कोनो पाय करी गगना के गावेल वीरेंद्र चौहान वाला लाला न बिना तर से लजियर मोर हो लाला न बिना कहलो कि जाई कोनो पाय करी स्टूडियो में एसी पानी पी लेल बने रोरा ठंडा आवाज धर लागता वैसी नु चलत महाराज ई गरिमा वीडियो में हम निकाल ले त देखियो करे देखि गाय खातिर स्किल तो नि तो सब स्किल करे जानकारी बा हम कम कर देल नि त कम कर गाय का करे गाय के बहुत वर्जित रखे के परला खान पान खटाई हई ठंडा चीज ना खाए कर हला आवाज धर त पानी पी ले से हां ठंडा बा हई तब रानी लोग के बात मान के राज दशरथ जी चल गनी गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला अचरण लगी करी विनय विशाला गुरु जी के लगे जाके चरण छू के प्रणाम कनी कहनी के हमारा रोरा चलते रोरा आशीर्वाद से सारा कुछ ठीक ठाक बा लेकिन एगो हमारा लगे कमी बा रोरा जानते बने कि रोरा जानते बानी रघुकुल के कैसन बा कहानी रोरा जानते बानी अरे घरवा में बाड़ी हमारा तीन तीन गोरानी रौरा जानते बानी तब लोग कहेला निसंतानी रौरा जानते बानी राजा दशरथ जी जो वशिष्ठ बाबा से कहनी कि हमारा हई समस्या बा रौरा चाहे तो हो जाई तो वशिष्ठ बाबा दशरथ जी से का कहनी का कहनी धरहु धीर होई हई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी धीर धर राजा तर एगो एगो के खातिर तरस तरले के खातिर तर चार जना बेटा होई है लेकिन एकरा खातिर पुत्रष्टि जग कराव पड़ी श्रृंगी ऋषि के बुलाव पड़ी आ पुत्रष्टि जग कराव पड़ी छाला जी रोरो अपने ढेर जानकार बन तन्नू
तब ई रोरे बताई जे लिखल बनू रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुयज्ञ करावा। खुद वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि के बोलवनी तो का पावर ना रहे जे ब्रह्मा जी के लड़का ह वशिष्ठ मुनि जे कोई खानदान से राजा दशरथ जी के पुरोहित के काम करते वहां के सारा पूजा पाठ वहां के करावत नहीं आ ई कौन जोग रहे कारण का रहे कि वशिष्ठ जी के बस के बात ना रहे आए जी श्रृंगी ऋषि के बुलवा जाता। अब ई रो रे बताएंगे कारण का रहे कि श्रृंगी ऋषि के बुलवा के अयोध्या में जोग भई ई रो रे जानत नहीं माने माने हम ही पूछले बानी हम ही नहीं जानो तो माने होय बतिया जानत नहीं कि ना और तो सवाल के जवाब हम दे देनी। अच्छा ई जानत नहीं कि ना कि वहां के काहे बुलवाल गए श्रृंगी ऋषि के ई श्रृंगी ऋषि के कोई कारण बा आवे के फिर बाप बाप बोलते आवत नहीं कोई कारण बा बेजाले हम कहत नहीं तो बताई ले हयर मुनली बताई तो देख श्रृंगी ऋषि के काहे बुलवाल गए ई पल बताई